हेलो दोस्तों फ्रेंड्स, क्या थे सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ टॉप 10 ऑफलाइन गेम्स के बारे में। सारे गेम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे और कमाल के रहने वाले हैं और बहुत सारे गेम ऐसे हैं जो कि हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुए हैं, तो आप लोगों को इनके बारे में शायद से ना बताओ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि मेरे दूसरे चैनल यानी कि गेमर इदम को जाकर सब्सक्राइब मार लो, वहाँ पर PC कंसोल गेमिंग रिलेटेड वीडियोज़ आती रहती हैं। तो दोस्तों सीट बेल्ट कस लो क्योंकि शुरू करने वाले आज का वीडियो। दोस्तों अपनी लिस्ट के नंबर फर्स्ट में निकल के आता है पाको हाईवे। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास निकल के आता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेसिंग वाला गेम आप लोग कह सकते हो कि आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप लोगों को पुलिस से बचना है और एक हाईवे पे एंडलेस सा रन कर दिया जाना है। गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एडिक्टिव स्टाइल का गेम प्ले है। और अगर आप लोगों को ऑफलाइन में एक ऐसा तगड़ा सा गेम चाहिए ना जिसमें रेसिंग वेसिंग हो सके और आप लोग गाड़ियाँ चला सको, वो भी एक फ़नी और मज़े के गेम प्ले के साथ, तो ये गेम डेफिनेटली आप लोगों के लिए है। गेम का साइज यहाँ पर रहने वाला 70 MB और गेम ऑफलाइन तो ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ में आगे, बात करते हैं लिस्ट के नंबर सेकंड गेम की। तो हमारे पास है गोट सिमुलेटर। अब यहाँ पे आप लोगों को अगर कोई फनी वाला गेम प्ले चाहिए ना और ऐसा गेम प्ले जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म पे आता हो यानी कि PC कंसोल पे भी आप लोग खेल सको, तो ये गेम आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है। यानी कि ये गेम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया और काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये गेम पसंद भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग एक बावली सी गोट रहने वाले हो और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि आप लोग चूज़ कर सकते हो। और भाई क्योंकि आप लोग गोट हो तो आप लोग कुछ भी करो वो क्राइम में नहीं आएगा, यानी कि आप लोग लोगों को मारो उड़ाओ जो मर्जी आप लोग कर सकते हो गेम में। गेम काफ़ी ज़्यादा मजे का है, गेम का साइज रहने वाला है यही कोई 90 MB के राउंड अबाउट और गेम काफ़ी ज़्यादा मजे का है। अब गाइस इसी के साथ में अगर हम बढ़े आगे और बात करें लिस्ट के नंबर 3 गेम की, तो हमारे पास है टाइपो मैन रीमास्टर्ड। अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने लिम्बो गेम के बारे में सुना है या उस गेम को खेल रखा है तो आप लोगों को सिमिलर यहाँ पे ये गेम प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़े से अच्छे ग्राफिक्स के साथ, थोड़ा सा इनहेंस गेम प्ले और काफ़ी ज़्यादा मजे की स्टोरी लाइन। गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एक लंबा सा आप लोगों को सफ़र तय करना है गेम के अंदर, बहुत सारी पजल्स भी आएंगी और बहुत मज़ा भी आएगा आपको गेम खेल के। गेम का साइज यहाँ पर रहने वाला है 362 MB और गेम ऑफलाइन है। तो गाइस इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इसके 4th नंबर के गेम की। तो हमारे पास है आयरन हीरो 2। अब आयरन मैन तो आप लोगों को पसंद होगा ही होगा, जैसे कि हर किसी को ही पसंद होता है भाई। तो उसकी आप लोगों के पास यहाँ पे एक गेम निकल के आती है जो कि आप लोगों को 3D ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने वाली है। यहाँ पे आप लोगों का सामना ढेर सारे एनिमीज होने वाला है और वो सारे बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं, तो आपने उन सबसे फाइट करनी है और अपने आयरन मैन को गेम में आगे पहुँचाना है। गेम का साइज यहाँ पे रहने वाला है 172 MB। अच्छा गेम है, एक दफ़ा खेलोगे तो डेफिनेटली पसंद है। तो गाइस बड़ा जाए आगे बात कीजिए लिस्ट के नंबर 5th गेम की, तो हमारे पास है ओशन इज होम। अब अगर आप लोग एक ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम देख रहे हो जिसमें आप लोगों को रियल लाइफ की सिमुलेशन देखने को मिले, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट गेम रहने वाला है। यानी कि यहाँ पे आप लोग एक आइलैंड पे फेंक दिए जाते हो जहाँ पे आप लोगों को सर्वाइव करना है, डिफरेंट जॉब्स करनी है। इसी के अलावा आपको यहाँ पे थोड़े बहुत जॉम्बीज भी देखने को मिल जाएंगे कभी कभार, जिनको आप लोग मारने वाले और बहुत सारे मजे भी करने वाले हो। गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी रियलिस्टिक सर्वाइवल आप लोगों को गेम में देखने को मिलता है, तो आप लोगों को वो भी चीज़ अच्छी ही लगती है। गेम का साइज यहाँ पे रहने वाला दोस्तों पूरा का पूरा 150 MB और मजे का गेम है। तो गाइस इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नंबर 6th गेम की, तो हमारे पास है रशियन ड्राइवर। अब यहाँ पे गेम का नाम होने वाला है रशियन ड्राइवर, तो आप लोगों को लोकेशन भी कुछ ऐसी मिलती जुलती देखने को मिलेगी, यानी कि आप लोगों को एक ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा जिसमें आप लोग GTA की तरह ही ओपन वर्ल्ड में व्हीकल चला सकते हो, आप लोग फ्री रोम कर सकते हो, गाड़ियाँ चला सकते हो, बाइक चला सकते हो, हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हो, जो चाहे आप लोग कर सकते हो, डिफरेंट स्टंट कर सकते हो और काफ़ी मज़ा आप लोगों को आता है ये सारा कुछ करके। गेम का साइज यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों 350 MB और काफ़ी शानदार गेम है। तो दोस्तों इसी के साथ में हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इसके नंबर 7th गेम की, तो हमारे पास है क्रैश ड्राइव 3। अब यहाँ पे ये जो गेम है ना, इसमें आप लोगों को करने हैं भाई साहब बहुत ज़्यादा ढेर सारे स्टंट्स, और वो भी भाई साहब कभी माउंटेन्स के ऊपर और कभी कहीं और कभी कहीं, यानी कि आप लोगों को डिफरेंट लोकेशन देखने को मिल जाएंगी, ढेर सारी गाड़ियाँ हैं और ये गेम आप लोगों को PC कंसोल पे भी देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग सोच ही सकते हो किस टाइप का गेम होने वाला है। गेम का साइज यहाँ पे रहने वाला दोस्तों पूरा का पूरा 350 MB और गेम भी अभी कमाल का है।
अब गाइस इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रिस्की नंबर 8 गेम की। तो हमारे पास है एक्सट्रीम ट्रायल्स। अब यहाँ पे ये निकल के आता है हम लोगों के पास एक मोटरसाइकिल रेसिंग वाला गेम, जिसमें आप लोगों को करने हैं ढेर सारे स्टंट परफॉर्म। अब इस गेम में आप लोगों को बेसिकली तो बाइक को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, लेकिन भाई साहब बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस तरीके से, यानी कि आप लोगों को बहुत सारी हर्डल देखने को मिलेंगी, बहुत सारे ट्रैक देखने को मिलेंगे, डिफरेंट लोकेशन से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा और बहुत सारे स्टंट अपनी बाइक के साथ करने पड़ेंगे। गेम में डिफरेंट टाइप की बाइक्स हैं और आप लोग अपने करेक्टर को फुली कस्टमाइज भी कर सकते हो, तो आप लोगों को गेम खेल के काफ़ी मज़ा आएगा। गेम का साइज़ है 193 MB और गेम टोटली मजे का ही है। अब गाइस इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके नंबर 9 गेम की। तो हमारे पास है माय फेवरेट कार। अरे ऐसे नहीं, मेरी नहीं, फेवरेट कार, यानी कि गेम का नाम रहने वाला है माय फेवरेट कार। अब गेम की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी रहने वाली है कि आप लोग एक जॉब करते थे और वहां से आप लोगों को फायर कर दिया गया है, तो आप लोगों ने अब अपनी गाड़ी को मेंटेन करना है और उसके साथ करनी है डिलीवरी, यानी कि एक जगह से चीज़ लोगे दूसरी जगह पे छोड़ोगे, और आप लोगों को ऐसे कर करके आप लोगों को बहुत सारे पैसे कमाने हैं, और उसके बाद आप लोग एक नई कार लोगे और अपनी जर्नी को फिर आगे नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाओगे। गेम में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रियल सिमुलेशन का एक एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, यानी कि आप लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने भी जाओगे, इसी के साथ में अपनी गाड़ी को मेंटेन भी करोगे और ग्रोसरी वगैरह भी खरीदोगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा रियलिज्म प्रोवाइड करा देता है गेम को। गेम का साइज़ यहाँ पे रहने वाला है 300 MB और काफ़ी तगड़ा मजे का और बिल्कुल एक नया तगड़ा गेम है। अब गाइस बात की जाए इसके लास्ट एंड नंबर 10 गेम की, तो हमारे पास है प्रोजेक्ट हैजर्ड। अब ये भी हाल फिलहाल में रिलीज़ हुआ हुआ एक गेम है और अभी इसका बीटा एक वर्जन आया है, जो कि अभी आप लोगों को फुली गेम का एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, लेकिन गेम उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यानी कि उसमें कोई बग्स या लैग या इशू आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। एक ओपन वर्ल्ड इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट तो छोटा सा ही है, लेकिन आप लोगों को ओपन वर्ल्ड देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप लोगों ने गन्स वगैरह अपनी लेनी है और निकल जाना है ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए, यानी कि एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक एनवायरनमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप लोगों ने ज़ॉम्बी का सामना करना है और भाई अकेले आप लोग सर्वाइवलिस्ट रह गए हो, तो आप लोगों को अकेले ही सब कुछ करना है। गेम का साइज़ यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों 1 GB का राउंड अबाउट और अच्छा तगड़ा गेम है। एक दफ़ा आप लोग खेलोगे तो आप लोगों को ग्राफिक्स भी अच्छे लगेंगे और गेम प्ले भी पसंद आएगा ही आएगा। तो बस फिर दोस्तों ये थे सारे के सारे गेम जो कि आज की वीडियो में आप लोगों को बताए थे। हो गए तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को गेम्स भी पसंद आए गए होंगे। जो भी गेम आप लोगों को पसंद आया लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, जाके आप लोग डाउनलोड कर ही सकते हो। और बस जाने से पहले ये कहूँगा कि मेरे दूसरे चैनल यानी कि रबील गेमर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वहाँ पर भी जाकर सब्सक्राइब मार लो, वहाँ पर आप लोगों को तगड़े गेम प्ले देखने को मिलते हैं। तो बस मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखो अपना ख्याल और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय यानी गुड। See all of it. Blood and flame. Loyalty and family. Betrayal. Hunger.